नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीआरपीएफ की कुछ वैकेंसी आई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीआरपीएफ की तरफ से, उसमें टोटल पद आए हैं 9,000। लड़कियों के लिए 107 वैकेंसियाँ हैं, बाकी जो शेष बच गई वो सभी लड़कों के लिए हैं। तो इसमें जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होनी है, वो प्रक्रिया की तारीख दी गई है 27 मार्च 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो है 25 अप्रैल, लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2023। और इसमें जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इसका जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो एग्जामिनेशन की डेट भी साथ में दी हुई है, मतलब 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 तक इसका एग्ज़ाम है। तो अभी जो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर रहे हैं उनके पास में लगभग 3.5 महीने बचे हुए हैं, आराम से अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम में वो निकल सकते हैं। इसके बाद में इसमें योग्यता की, एज की, आदि की अपन बात करें तो इसमें जो वैकेंसी आई हैं वो अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसियाँ हैं, मतलब इनकी जो मेरिट है वो अलग अलग स्टेट वाइज निकल के आएगी। राजस्थान में लगभग 450 के लगभग वैकेंसियाँ इसमें हैं, और इसमें फीमेल के लिए 107 सीटें हैं और मेल के लिए 9,105 सीटें हैं। इसमें आगे देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन जो जो पद आए गए हैं, तो इसमें एक तो पद आए हैं जो वैकेंसीज फॉर पायनियर विंग, जैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, ट्रेडमैन की वैकेंसियाँ हैं। तो टेक्निकल वैकेंसियाँ जो हैं उसमें आईटीआई मांगी गई है, और ट्रेडमैन की जो वैकेंसियाँ हैं उनके लिए एक डिप्लोमा जो है वो अगर आपके पास में है 1 ईयर का तो आवेदन कर सकते हैं। और इस बार डिप्लोमे की अलग से कोई विशेष इसमें नोटिस नहीं डाला गया। जो व्यक्ति, जो बच्चे 10th पास हैं, जो बच्चे इसमें 10th पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जो ड्राइवर के लिए वैकेंसी हैं उसमें एज 21 से 28 रखी गई है, कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग छूट दी गई है। और जो इसके अलावा जैसे ट्रेडमैन की जो वैकेंसियां हैं, ट्रेडमैन में जो वैकेंसी इसमें डाली गई हैं उनमें कोबलर हैं, अलग अलग छूट की बात करें तो SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की इसमें छूट दी गई है। और इसके साथ में जैसे पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज अगर आप इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो अलग अलग, जैसे कोई गार्डनर है, कुक है, अलग अलग इसमें वैकेंसियाँ दिखाई गई हैं। ड्राइवर के लिए योग्यता जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है, मैट्रिक होना चाहिए साथ में, कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है इसमें हैवी लाइसेंस इसके पास में होना चाहिए। इसके अलावा फॉर ऑल ट्रेड्समैन हैं, इनके लिए 10th पास रखा गया है, इसके लिए 10th पास रखा गया है, और 10th पास जो बच्चे हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो वैकेंसियां हैं इसमें इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसियां हैं इसमें आईटीआई मांगा गया है। कुछ वैकेंसियां, 3 पोस्ट ऐसी हैं जो आईटीआई बेस्ड पे आवेदन कर सकते हैं बच्चे। अब ये इसके अलग अलग सेंटर बताए गए हैं अलग अलग स्टेट वाइज। तो मेन बात इसमें यह है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें से 25 क्वेश्चन जो हैं वो रहेंगे जीके के, 25 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, और 25 क्वेश्चन इसमें हिंदी या इंग्लिश में से एक लेना है, और 25 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। तो इस तरीके से जो SSC GD का जो सिलेबस था उसी आधार पे ये इसका पेपर आएगा। SSC GD में भी 100 क्वेश्चन थे, 25-25 नंबर के 4 पार्ट थे, इसमें भी 25-25 नंबर के 4 पार्ट हैं। तो जो विद्यार्थी इस योग्यता के दायरे में आता है, 10th पास है, जिसकी एज 18 साल हो गई है, वो इस ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन में आवेदन कर सकता है।
प्रोसेस सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बाद में उसका फिजिकल होगा। फिजिकल में चेस्ट हाइट और 5 किलोमीटर की रेस इसमें रखी गई है जो 24 मिनट में करनी है। उसके बाद में उसका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद में उसका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट आएगी। इसलिए जो विद्यार्थी 10th पास हैं, 18 वर्ष जिनकी एज हो चुकी है, वो इसमें आवेदन करें। पहली बार है, काफ़ी साल से 9000 वैकेंसी का विज्ञापन जो है CRPF में आया है। काफ़ी ये मानिए कि 2016-17 के बाद में बड़ी भर्ती CRPF में नहीं हुई थी, तो इस भर्ती में सिलेक्शन लेने वाला जो विद्यार्थी है मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन श्योर है। और जो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करते नहीं हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, उनका इस देश में कोई भला होने वाला नहीं है नौकरियों के क्षेत्र में। तो आप आराम से इसका आवेदन करके और अभी से तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद।